जो भी आप गलत कार्य करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, जो भी गलत काम करते हैं, उसका उस कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप पीठ पीछे दूसरों की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, तो जिसकी चुगली जिसकी बुराई आप कर रहे हैं उसके कर्म आपको भोगने पड़ते हैं। मत करो चुगली निंदा बुराई पीठ पीछे। अपने कर्म कम है क्या भोगने के लिए जो दूसरों के भी अपने माथे मरते हो? मत करो। माता पिता गुरु और संत इनकी तो गलती से भी बुराई ना करें। पता नहीं चुकाने के लिए कितने जन्म लेने पड़ेंगे और मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलने वाला। पता नहीं कीड़े मकोड़े जानवर किस योनि में जाओगे और उन कर्मों को भोगोगे। तो निंदा चुगले बुराई ना करें। कि जब हम निंदा करते हैं तो कैसे कर्म हमारे माथे आते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए। आपको कई प्रश्नों के उत्तर त्वरित मिल जाएंगे। ये ए, ये बी और ये सी। चूंकि ये महिलाएं, चूंकि महिलाओं के बारे में अधिक कहा जाता निंदा बुराई करते हैं, पर बाकी मेरे भाई लोग भी कमती तो नहीं है। हम सब अपने कर्मों की टोकरी अपने सर लिए घूमते हैं, दोनों दे दो, है ना? हाँ, जब हम अच्छे कर्म करते हैं वो टोकरी में जमा होते जाते हैं। छोटा बड़ा जो भी आपने किया वो कर्म हमारी टोकरी में आता जाता है। जब गलत कर्म करते हैं ये भी हमारी टोकरी में जमा होता जाता है। बराबर है, है ना? इन कर्मों को हम भोगते हैं, है ना? जो अच्छे कर्म कर रहे हैं उसकी बाबत हमें सुख मिलता है भोगने के लिए, जो गलत कर्म कर रहे हैं उसकी एवज में हमें दुख मिलता है भोगने के लिए। भोगने के माध्यम क्या? हम तन से भोगते हैं, मन से भोगते हैं, धन से भोगते हैं और संबंधों से भोगते हैं। तन अस्वस्थ, गलत काम किया, तन अस्वस्थ, मन अस्वस्थ, धन की हानि, संबंधों में दूरियां, ये दुख है। तन स्वस्थ, मन स्वस्थ, धन स्वस्थ, संबंध स्वस्थ, ये सुख है। अब ये तीन करीबी सहेलियां, हम सहेलियां कह रहे हैं पर भाइयों को ये महसूस करना तीन करीबी मित्र है ना। हाँ, अब एक दिन करीबी बहुत फास्ट फ्रेंड्स हैं, एक दिन की बात, ये सी जो है शहर के बाहर गई हुई थी। अब ये दो सहेलियां आपस में मिली, ये तो है नहीं, है ना? ए ने इसकी बाबत चुगली करने शुरू करी। जो ही करना शुरू किया कनेक्शन जुड़ जाता है, ये कहां पर भी हो, चाहे सात समुद्र पार हो, कनेक्शन जुड़ जाता है। बुराई शुरू की, ये जो कर्म इसे भोगने पड़ते ये कर्म चले गए इसके खाते में, कनेक्शन चुरा, ये तो कर खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से सुनो, जो कर्म इसने गलत किया था उसकी एवज में शायद सिर्फ तन का रोग भोगना पड़ता, उसकी एवज में इससे सिर्फ तन का रोग भोगना पड़ता, पर जब ये आपके खाते में आया तो ये इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ आपको भोगना पड़ेगा। तन भी अस्वस्थ होगा, मन भी अस्वस्थ होगा, धन भी अस्वस्थ होगा, संबंध भी अस्वस्थ होंगे। बराबर, ये बुराई कर रहा है और ये सुन रही है ना?
अब इस पे डिपेंड करता है कि कितना रस लेके ये सुन रही है ना। इसको दोनों खाते का भोगना पड़ता है, इसका भी क्यों सुनो, देखो सुनो तो सही है ना। जब इसकी बुराई कर रही है मन में भाव आता है तू कौन सी कमती है, इसके खाते का इसमें गया है ना। और जब सुनते सुनते हम भी बोलना चालू करते हैं, हाँ ये ऐसी है, मेरा भी अनुभव ये ऐसी ही है, वापस इसके खाते का यहाँ ट्रांसफर, दोनों का भोगना पड़ता है तो सुनना भी नहीं है। अब आगे सुनिए, कई बार हम ऐसा कहते हैं कि जो इसके बारे में बोल रहे हो सच तो बोल रहे हैं। निंदा किसे कहते हैं, आप चाहे सच बोल रहे हैं पर आपकी हिम्मत है क्या वही शब्दों के इसके सामने बोलने की, नहीं है मतलब आप निंदा कर रहे हैं। चाहे सच बोल रहे हैं पर वो आपकी हिम्मत इसके सामने बोलने की नहीं है मतलब आप निंदा कर रहे हैं। और हमारा मनुष्य का स्वभाव है कि बड़ाई करते तो बड़ा चढ़ाकर, बुराई करते तो बड़ा चढ़ाकर है ना। जो ही आपने अपनी ओर से जोड़कर बुराई की, आपके खाते का जो पुण्य जो सुख आप भोगते हैं वो इसके खाते में ट्रांसफर है। क्या पिन ड्रॉप साइलेंस है, वाह आप लोग तो देखो मजाक कर रहे हो, नीचे इन लोग बोल रहे हो हाँ अभी से निंदा नहीं करेंगे। हम में से कई लोग ऐसे होते, कई बार हमारे मन में थॉट आता है ना कि कईयों को हम देखते हैं कि बहुत गलत काम कर रहे हैं उसके बावजूद सुख भोग रहे हैं। कई लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं जो हम आंखों से देखते हैं कि बहुत गलत काम कर रहे हैं फिर भी सुखी हैं। पर कभी गौर किया जो व्यक्ति गलत काम करता है उसकी चर्चा कितने लोग कर लेते हैं। तो सुख भोगेगा ही ना, कितनी चर्चा उसकी करते हैं। हाँ अब सुनिए जरा सा, आप 10 अच्छे कर्म किए, आपने 2 गलत काम किए है ना। हम उनसे कह देंगे कि भाई 10 में से 2 काट ले, 2 का भी भोगना पड़ेगा 10 का भी भोगना पड़ेगा है ना। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, अब चूंकि अच्छे कर्म मात्रा अधिक है, ये 2 ही है, समझो इसकी एवज में चिट्ठी कटती है हमारी, समझा, पावती कटती है, उसमें आया कि 1 दिन का अनाज नहीं मिलेगा खाने को। क्या सजा मिली है हमारे कर्मों की हमें, कि 1 दिन अनाज खाने को नहीं मिलेगा, चिट्ठी फट गई। पर चूंकि ये कर्म तगड़े हैं, ये चिट्ठी खाते में कब डालेगा, जिस दिन आप बोलेंगे आज डाइट करती हूँ, आज खाली फ्रूट पे रहती हूँ, या आज एकादशी करती हूँ, ये खाते में शिफ्ट कर देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि अच्छे कर्म तगड़े हैं। पर 10 कर्म गलत हैं, 2 अच्छे हैं है ना, 2 अच्छे की एवज में 56 भोग की पावती मिली आपको, पर खाते में कब आएगी, जब पेट अस्वस्थ होगा, वो सुख भी आप नहीं भोग पाएंगे।